हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे दुनिया के उन 20 देशों के बारे में जहां भारतीय फ्री में जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की हांगकांग के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे केनिया के बारे में। केनिया अफ्रीका में बसा हुआ एक देश है। ये देश सोमालिया, एथोपिया, सूडान, युगांडा, तंजानिया और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल HR के यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह अलग अलग सिटीज़, कंट्रीज़ और चीज़ों के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। केनिया की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर नैरोबी है। केनिया की 99% आबादी काले रंग की है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया में 48वें नंबर पर आने वाला देश है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 29वें नंबर पर आने वाला देश है, जिसकी आबादी 4,75,00,000 के करीब है। केनिया में सबसे ज़्यादा 84% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, जो तकरीबन 11% के करीब है। केनिया में 76% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। केनिया की करेंसी शीलिंग है और एक शीलिंग भारतीय 68 पैसे के बराबर होता है। केनिया तकरीबन 74 सालों तक ब्रिटिश का गुलाम था और केनिया ने 12 दिसंबर 1963 को ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की। इस देश की इकोनॉमी खेतीबाड़ी और टूरिज्म से होती है। केनिया अपनी सफारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ पर जंगली जानवर आज़ाद घूमते हैं। यहाँ पर आप शेर, तेंदुआ, जिराफ, जंगली भैंसे को, हाथी और बहुत सारे जानवरों को यूं ही आज़ाद घूमते हुए देखोगे और पूरी दुनिया से टूरिस्ट केनिया की सफारी को देखने के लिए आते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पिता केनिया के शहर किसुमु में ही पैदा हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि केनिया में मिडिल क्लास का तबका नहीं होता। यहाँ के लोग या तो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या बहुत ज़्यादा गरीब। केनिया के 50% से ज़्यादा लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश में करप्शन है। माउंट केनिया यहाँ का सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 5,199 मीटर है और अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। इक्वेटर, जिसे खते इस्तवा भी कहते हैं, इस देश से बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल केनिया में बैन है और प्लास्टिक बैग्स बेचने या इस्तेमाल करने पर यहाँ पर 4 साल जेल या 25,00,000 तक का जुर्माना लग सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान यहीं का था, क्योंकि यहाँ पर इंसानों के सबसे पुराने ढांचे पाए गए हैं। तो दोस्तों, आपको केनिया के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप किन देशों के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में लिख कर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।